आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। अगर अब तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज जितेंद्र अवार्ड के जन्मदिन की। जी हाँ, जितेंद्र अवार्ड साहब के जन्मदिन पर भिवंडी के सदर जनाब शोएब गुड्डू साहब ने आज दो कार्यक्रम किए। सबसे पहला कार्यक्रम तो उन्होंने इंदिरा गांधी अस्पताल में पानी फिल्टर करने वाली मशीनों का तकसीम किया ताकि वहाँ के जो मरीज़ हैं, वहाँ के जो मरीज़ के साथ में रहने वाले लोग हैं, वो लोग जो है साफ़ और शफाफ पानी पी सके। ताकि ज़्यादातर बीमारियां आपने देखा होगा कि पानी की गंदगी की वजह से ही होती है, पानी में जरासीम फैले हुए रहते हैं। तो ऐसे जरासीम को दूर करने के लिए और ऐसी बीमारी को दूर करने के लिए शोएब गुड्डू साहब ने अपने हामियों के साथ में, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी की महिला अध्यक्ष स्वाति कांबले और उनके तमाम साथी भी वहाँ पर मौजूद थे। इन तमाम लोगों के साथ जो है शोएब गुड्डू साहब भिवंडी में के इंदिरा गांधी अस्पताल में गए और उन्हें पानी फिल्टर करने वाली मशीनों को दिया ताकि वो साफ और शफाफ पानी पी सके। दूसरा हम आपको दिखा रहे हैं कि भिवंडी के कल्याण रोड पर जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर शोएब गुड्डू साहब और उनकी टीम ने और उनके पूरे राष्ट्रवादी पार्टी ने, चाहे उसमें यूथ शामिल हो, चाहे उसमें महिला गट शामिल हो, चाहे जो भी शामिल हो, तमाम पूरी राष्ट्रवादी भिवंडी ने पेट्रोल को वहाँ पर मुफ्त तकसीम किया। जो एक आदमी को 100 रुपये का पेट्रोल था, इस 100 रुपये के पेट्रोल के लिए उनको एक कूपन भी दिया गया था ताकि वो कूपन दिखाए और अपना 100 रुपये का पेट्रोल भर कर ले जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि शोएब गुड्डू साहब और उनके हामियों ने, यानी राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से जिन जिन लोगों को कूपन दिया गया था, हम आपको बता देना चाहते हैं कि वो कूपन जब आखिर में लोग लेकर गए, यानी राष्ट्रवादी पार्टी का प्रोग्राम ख़त्म हो गया, जिसके बाद कूपन जब ले जाया गया वो दोबारा, तो पता ये चला कि पेट्रोल पंप के लोगों ने उन्हें वापस कर दिया। उन्होंने ये कहकर वापस कर दिया कि भाई जिस कूपन को आपने लाया है उसका टाइम आउट हो गया है, यानी कि कूपन देने का कोई मकसद और कोई फ़ायदा नहीं रहा। अगर आप उसी वक्त कूपन ले जाते और वीडियो में आते, न्यूज़ में आते, तो आपका वो कूपन फ़ायदेमंद था, अदरवाइज़ बाद में जाने वालों को कूपन के ज़रिए पेट्रोल नहीं मिल पाया। मैं अपने सहयोगी खान फ़खरे आलम के साथ में सुल्तान कुरैशी। आज सबसे पहले हमारे माननीय श्री जो माजी मंत्री हैं जितेंद्र अवार साहब, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर आज पूरी भिवंडी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और हम सभी पार्टी के लोग अल्लाह ताला उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र देवे और साथ ही साथ में सेहत और तंदुरुस्ती देवे। क्योंकि आज महाराष्ट्र में एक ऐसा नेता की ज़रूरत है जो गरीब जनता के लिए, हक के लिए, सच्चाई के लिए इस स्टेट में आज वो लड़ाई लड़ते हैं। तो आज उनके जन्मदिन पे हम लोगों ने कुछ महीना पहले IGM हॉस्पिटल का मैं स्वार्थी मैडम एक दौरा किया था, तो यहाँ हॉस्पिटल वालों की एक मांगनी थी कि यहाँ पे बहुत गंदा पानी आता है, पानी की बहुत तकलीफ़ है पेशेंट को पीने के लिए, तो यहाँ हमको वाटर फिल्टर RO मशीन की ज़रूरत है।